स्कूल की कैंटीन से खाना खाते वक्त इस लड़के को एक दांत मिलता है। उस लड़के को लगता है कि कहीं उसका तो कोई दांत नहीं टूट गया। वो अपने सारे दांत चेक करने लगता है, लेकिन वो सभी सही थे। अब खाने को ध्यान से देखने पर उसे अपने खाने में किसी इंसान की आंख मिलती है। वो काफी डर जाता है और जोर से चिल्लाकर सभी को बताने लगता है। अब पूरे स्कूल में हड़कंप मच जाता है। तभी हम देखते हैं कि किसी के खाने में इंसान का कान था तो किसी के में उंगलियां। इसकी जांच के लिए पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस की पूरी टीम स्कूल में पहुंचकर खाने की जांच करने लगती है। वहां पर उन्हें कई सारी हड्डियां और इंसानी अंग मिलते हैं, क्योंकि वो आदमी सूप के अंदर पूरी तरह से घुल गया था। तो ये पता लगाना काफी मुश्किल था कि वो कौन था और उसे किसने मारा। स्कूल कैंटीन वालों से पूछने पर वो बताते हैं कि हमारा सारा खाना डिब्बे में पैक होकर एक कंपनी द्वारा आता है। पुलिस तुरंत ही उस कंपनी को बंद करके वहाँ की जांच शुरू कर देती है। वहाँ पर वो कुछ डिब्बे खोल के दिखते हैं, जिसमें से उन्हें कुछ इंसानी अंग मिलते हैं। अब इससे ये बात तो साबित हो गई थी कि जिस भी इंसान के ये टुकड़े हैं वो इसी कंपनी में काम करता था। तभी कंपनी की मालिक वहाँ पर आ जाती है और पुलिस वालों को बताती है शायद वो इंसान काम करते वक्त मशीन में गिर गया हो। लेकिन पुलिस को लग रहा था कि किसी ने उस आदमी को मारकर उसके शरीर को खाने की मशीन में फेंक दिया होगा, ताकि किसी को भी कोई सबूत न मिले।